मैडम का जो है वो यहाँ पे फोटो एग्जीबिशन लगा हुआ, कैसा लगा आपको और क्या फील कर रहे हैं? ये अमेजिंग एग्जीबिशन है। मैंने फोटोग्राफी एग्जीबिशन बहुत कम देखे हैं, मेरा दामाद भी फोटोग्राफी में है और अहमदाबाद रहता है, उसने भी फोटोग्राफी एग्जीबिशन किया है उधर के, जो है ना दोषी की अहमदाबाद में फेमस के उसमें, एंड सो ही वुड हैव बीन द राइट मैन टू कमेंट ओवर हियर अबाउट दिस एग्जीबिशन। बट आई वॉज आस्किंग अंकिता दैट दिस एग्जीबिशन हैज फोटोग्राफ्स वर्थ मोर देन अ मिलियन रुपीज एंड दे आर ऑल फैंटास्टिक। I really wish her very good progress in life and photography, and one fine day people will come here to these galleries and purchase her pictures. It takes a little time to get introduced to the art. So my congratulations and all the very best wishes to you. Thank you. It's just by chance that I am here today, but it's a great thing. I am very honored. Thank you. Thank you sir. Thank you. Okay. Thank you. गीता, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है और काफी बड़े-बड़े लोग करके जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन है और इतना प्यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट मुझे जो एनकरेजमेंट चाहिए होता है कि मैं ये काम कंटिन्यू करूँ, दिखाना कंटिन्यू करूँ, वो आप जैसे लोग आके जो अप्रिशिएट करते हैं उससे ही वो बढ़ावा मिलता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप यहाँ पर आ सके, एंड आपकी बेस्ट विशेस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकिता। मेरा फोकस तो लैंडस्केप और आर्किटेक्चर है, बट कभी कभी ऐसे ही घूमते कुछ भी व्यू अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं बस उसको कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, और मोस्टली तो मैं DSLR कैमरा यूज़ करती हूँ, निकॉन D5200 है। बट अभी कभी ऐसा होता है ना, सनसेट देखने गए बट तब तो नहीं पता कि ऐसा इतना अच्छा व्यू मिलेगा, तब मैं मोबाइल से भी कैप्चर करती हूँ। वैसी वाली फ़ोटोज़ भी यहाँ पे है जो मोबाइल से कैप्चर करी हुई है। बहुत सारी लोकेशंस पे है, मतलब इंडिया में भी बहुत जगह पे है, दिल्ली, शिमला, मनाली, मुंबई सबसे जो आइकॉनिक है यहाँ पर, मेरी भी फ़ोटो जो सबसे आइकॉनिक है गेटवे ऑफ इंडिया की वो वहाँ पे, फिर आउटसाइड इंडिया में मैंने UK की है, US की है, अटलांटा, न्यूयॉर्क, बर्लिन, यूरोप में बर्लिन, एम्स्टरडैम, फ्रांस, ये सब जगह, और ये सब जगह पे मैं पर्सनली गई हुई हूँ और फिर मैंने ये फ़ोटोज़ खींची। यहाँ पे कितनी फ़ोटोज़ आपके लगी हुई हैं? अबाउट 80-90 लगी हुई हैं और मल्टीपल साइजेस की हैं, और हमने मल्टीपल मीडियम्स यूज़ करे हैं, मीडियम्स फॉर प्रिंट। जो आपको यहाँ पे पीछे दिख रहा है इसे कैनवस बोलते हैं, ये एम्बॉस्ड कैनवस है, फिर इस तरफ एक सनबोर्ड HD है और पीछे है स्पार्कल प्रिंटिंग। स्पार्कल प्रिंटिंग की खासियत ये है कि जब उस पर स्पॉटलाइट गिरती है तो वो स्पार्कल करती है, तो आपको लुक थोड़ा डिफरेंट ही दिखता है उससे, और वो जब तक आप देखेंगे नहीं आप इतना शायद मेरा समझ नहीं पाएंगे। ओके, आपने यहाँ पे आज पहला दिन है नेहरू सेंटर में, तो क्या एक्सेप्ट कर रहे हो भैया? मैं यहाँ पे एप्रिसिएशन तो ऑफकोर्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सेलिंग भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट मे बी फुटफॉल जो है वो वीकेंड पे ज़्यादा आएगा तो चांसेस है उसमें कुछ। नेक्स्ट अगला क्या होने वाला है? अभी मेरी 2-3 एग्जीबिशन्स और हैं, एक मैं दुबई में कर रही हूँ, एक पुणे में कर रही हूँ और एक हैदराबाद में है। ओवर टाइम फोटोग्राफी किया, आपको लोकेशन कौन सा अच्छा लगे? जैसे फोटोग्राफी के कुछ है जैसे आपको फोटोग्राफर है जैसे क्या लोकेशन इस तरह अच्छा लगे, इसकी ज़्यादा फोटो खींची गई, अच्छा लोकेशन कौन सा अच्छा लगा आपको? लोकेशन आई वुड से इंडिया में अगर है तो हिल स्टेशंस,
कोई से भी हिल स्टेशन हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि क्लैरिटी जो है वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी आती है कंपेयर टू सिटीज. एंड आउटसाइड इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज प्रेफर करती हूं. ओके, थैंक यू. थैंक यू. मैम, एग्जीबिशन में आप आए हुए हैं नेहरू सेंटर जी फोटो में, क्या कहना चाहेंगे मैम के बारे में? अंकिता भटनागर जो एक पैशनेट है आर्टिस्ट बहुत, और वो जो एक उनके अंदर जो एक फ़ोटोग्राफी का बोलते हैं ना, जैसे हर किसी के अंदर फिल्मी कीड़ा होता है या कुछ कीड़ा होता है, कोई ना कोई पैशन का कीड़ा होता है कहेंगे, वो कीड़ा ऐसा ना जो हमारे बदन में दौड़ता ही रहता है, जिसको हम रोक नहीं सकते, वी कैन नॉट कंट्रोल डैट. वैसा ही कुछ है अंकिता भटनागर के साथ, शी इज़ सो पैशनेट अबाउट फोटोग्राफ्स. और मैंने उसके बहुत कम वर्क्स देखे थे, उसने मेरे साथ काफ़ी एग्जीबिशंस की है तो बहुत लिमिटेड शोकेस हुए थे, मगर यहाँ सोलो एग्जीबिशन में उसके सारे वर्क्स देखे, आई एम जस्ट मस्मराइज्ड. एंड इवन मैं आप सब लोगों को बोलूँगी कि ये एग्जीबिशन अभी 1 वीक तक है, आप लोग आइए नेहरू सेंटर की सर्कुलर गैलरी में, आप देख सकते हैं कि इन फोटोग्राफ्स में आपको काफ़ी झलक दिखेगी ऐसी ऐसी जगहों की जो जगहें आपने देखी तक नहीं है. सो वो झलक आपको यहाँ दिख जाएगी. एंड इवन बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अरे मैं काश वहाँ जा पाता, यहाँ जा पाता, तो यहाँ पे आप वैसे सीन अपने घर पर लगा सकते हैं, जैसे सनसेट भी खींचा हुआ है उसने, काफ़ी अच्छे अच्छे क्लिक्स किए हुए हैं, तो आप आके यहाँ पे एक उसका क्लिकिंग का तो है ही टैलेंट, बट जो जिस तरह से वो उसे प्रिंट करवाते हैं, जो जिस शीट पे जैसे शाइनिंग आता है या HD प्रिंट होता है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है जब हम एक फ़ोटोग्राफ को देखें, तो एक लाइव कहते हैं ना लाइव वाली फीलिंग जो उसमें आती है, यू कैन नॉट मेक इट आउट कि ये पेंटिंग है या फ़ोटोग्राफ, वो भी एक टैलेंट है उसके अंदर. तो मैं बोआ गैलरी की तरफ से अंजलि अरोड़ा आप सब लोगों को इन्वाइट करना चाहूँगी कि ज़रूर आइए ये सोलो एग्जीबिशन में जो लगी हुई है नेहरू सेंटर में. एंड अभी एक हफ्ता है तो वीकेंड आ रहा है, आप लोगों के पास टाइम वीकेंड में तो होगा ही, तो ज़रूर आइएगा सपोर्ट करने और मोटिवेट करने अंकिता भटनागर को. मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो गैलरी अभी नेक्स्ट जो एग्जीबिशन लग रही है वो कहाँ लग रही है? ओके. कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और अंकिता जी उसमें आ रहे हैं? येस, डेफिनेटली अंकिता बोआ गैलरी की आर्टिस्ट है, वन ऑफ द ब्रांड है, जैसे हमारे लिए जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो ब्रांड होते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक वन ऑफ द ब्रांड है. और जो हमारी अगली एग्जीबिशन है वो पूना में हो रही है 11 to 14 अप्रैल, तो वहाँ हमने स्पेशली फ्लोरल थीम रखा है, जहाँ पे आपको एकदम फूल ही फूल दिखेंगे एंड बहुत ही आप खुश हो जाएंगे, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा वहाँ पे, इस तरह की हमने पेंटिंग्स लगाने का प्लान किया हुआ है. एंड वो काफ़ी पूना में हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो और बड़े स्केल पे कर रहे हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ आने वाले हैं ऑन 11th of April, वो हो रहा है दर्पण गैलरी में, जिनके नाम अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, बट येस इट विल बी अ यू नो अंजलि अरोड़ा ब्रांड वाला शो. थैंक यू. थैंक यू सर. आपसे स्टार्ट करेंगे, कैसे लगी फोटोग्राफी? ये सबसे पहला सोलो एग्जीबिशन है जो अंकिता भटनागर ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में, और मैंने इस अंकिता का सबसे पहला एग्जीबिशन जो यहाँ पर देखा था वो, मतलब काफ़ी सारे एग्जीबिशन में काफ़ी सारे स्टॉल्स थे जहाँ पर उसका एक स्टॉल था, तो ये पहला एग्जीबिशन जो मैंने देखा बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का एग्जीबिशन जो उसने अपने फ़ोटोग्राफ्स के द्वारा एग्जिबिट किया है. नए नए कलेक्शंस हैं और ख़ास तौर पर जितने भी ये फ्लावर्स के फ़ोटोग्राफ्स हैं अद्भुत हैं, बहुत अलग तरीके से पिक्चराइज किया गया, फ़ोटोग्राफ किया है, और जैसे जैसे वो हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही थी वो बिल्कुल ग्रो कर रही थी, और इससे ऐसा लग रहा है कि आगे चंद सालों में वो डेफिनेटली अपना नाम एज अ फ्रीलांस फ़ोटोग्राफ़र डेफिनेटली दुनिया के सामने अपना नाम रोशन करेगी. और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि यहाँ पर नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में ज़रूर आएँ और ये एग्ज़िबिशन को देखें. ये 12 मार्च से 18 मार्च तक एग्ज़िबिशन है, और ज़रूर देखें, बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सर. आपसे जानना चाहेंगे अंकिता जी ग्रो कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए. अंकिता का पैशन है फोटोग्राफी, उसका प्रोफेशन नहीं था, बट उसने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया है. इसने तो एमएस
इन साइबर क्राइम में ई इन्वेस्टिगेशन यूके से किया था, उसके बाद फिर 10 ईयर्स तक बिग फोर कंपनीज में इसने जॉब किया। फिर उसने बोला कि भाई मैं अभी काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगा। तो क्योंकि मेरा भी हॉबी फोटोग्राफी रही है, लेकिन कभी उसको हम प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट हमने उसको सपोर्ट किया कि अब तुम अपना पैशन फॉलो करो। तो उसने बहुत हम्बल शुरुआत करी थी लास्ट मई में, मई से लेके अभी मार्च अराउंड 10 मंथ्स में उसने 8-10 मंथ्स में बहुत अच्छा ग्रो किया है। क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो 11th एग्जीबिशन है इन दिस मंथ, और अभी उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ऑलरेडी प्लान्ड है, एक पुणे में है, फिर दुबई में है और हैदराबाद में है, 3 की ऑलरेडी कर चुकी है। दुबई में इट विल बी अ फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन, और उसके बाद हैदराबाद में है। तो इस तरह से ये अभी तो इसने मेन अपना इसका प्रोफेशन ही बना लिया है, और अब इस तरह के वो कुछ प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रही है जिसमें अपनी ही फ़ोटोग्राफ्स को प्रिंट करें, जैसे बैग्स हैं, ट्रेज हैं, उसमें फ़ोटोग्राफ्स अपनी ही प्रिंट करके उनको डिस्प्ले पे किया हुआ है। यहाँ पे भी वो बैग्स रखे हुए हैं हमारे, जो वो देखे जा सकते हैं इधर, ये बैग्स हैं, ये सेम फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे आपको आर्ट गैलरी में भी दिखाई देंगी, और ये बिगर स्केल, इसको छोटे स्केल में इसको प्रिंट किया हुआ है। और इसने अपना प्रोफेशन जो है अब ये बहुत अच्छी तरह से इसमें डेवलप किया है अपने आप को, और ये आगे भी ऐसे ही करते रहे। हमारी तरफ से तो इसको बेस्ट विशेज़ हैं ही, और आप सब व्यूअर्स का अभी आशीर्वाद चाहिए, आप यहाँ पे आइए और इसकी फ़ोटोग्राफ्स को देखिए और को अप्रिशिएट करें। अप्रिसिएशन ही बहुत होता है एक आर्टिस्ट के लिए, किसी का आना, कोई आए और आके उसकी तारीफ़ करे तो मन खुश हो जाता है कि हमारे काम को किसी ने सराहा। आपसे आप सबसे गुजारिश है यहाँ आइए, 12 मार्च से आज शुरू हो गई है और 18 मार्च तक सुबह 11 से 7 बजे तक, एट योर कन्वीनियंट टाइम, एट योर कन्वीनियंट डेट, आप ज़रूर आइए और यहाँ पे तो एग्जीबिशन को देखिए। थैंक यू। आई एम ग्रुप हेड फॉर टैक्सेशन एंड कंप्लायंस एंड एथिक्स फॉर JSW ग्रुप, सो आई एम हेयर एट द इन्विटेशन ऑफ अंकिता। So this work is fantastic and I love her passion that she has left a well-settled job with one of the big four and went for all out for her passion, and this passion is reflected in all this great work which is artistic for landscapes as well as miniature photography and micro photography which I can see here. And this is, and I wish Ankita to all success in her life, and she'll go a long way after seeing this work. Thank you. फोटोज़ तो बहुत ही शानदार हैं और काफ़ी सारी थीम्स हैं, जैसे ये अभी आप पीछे देख सकते हैं, ये फ्लावर्स वाली थीम है, सिटी लाइट्स है, लैंडस्केप है, एक दो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स भी हैं। तो ओवरऑल जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही अच्छी है, डिटेल्स बहुत अच्छे से कैप्चर हुए हैं। डेफिनेटली शी हैज़ अ वेरी गुड आई फॉर फोटोग्राफी, एंड फोटोग्राफ देख के लग रहा है कि शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट दी फोटोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल एक वैली वाला फोटो है, वो देख के लगता है कि शी हैज़ डन ट्रेमेंडस वर्क टू गेट दैट, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड आई विश हर वेरी सक्सेसफुल करियर इन फोटोग्राफी।